चलिए सीधा चलते हैं चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर तीन नोटिफिकेशन है, पहले की बात करते हैं। पहला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर श्रीनगर कैंपस की उन स्टूडेंट की लिस्ट है जिन्होंने अभी तक भी अपनी फी डिपॉजिट नहीं करी है। आप सबसे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, सारा डाटा यहाँ पे डाल दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अपनी फी डिपॉजिट कर रखी है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें कि कहीं यहाँ पर गलती से उनका नाम तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को बताइए, कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको मेल भेजिए कि आपका इस लिस्ट में नाम आ गया जबकि आपने अपनी फी डिपॉजिट कर रखी है, आपको उससे संबंधित डिटेल यूनिवर्सिटी को देनी होगी। जिन स्टूडेंट के नाम इस लिस्ट में है और वो अभी भी चाह रहे हैं कि उनका एडमिशन हो जाए तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, जनरल पत्राचार कीजिए, हो सकता है आपको मौका दे दिया जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से फी डिपॉजिट करने का या आपके लिए कोई और रास्ता निकाल दिया जाए। आगे चलते हैं, दूसरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं, वो है थर्ड मेरिट लिस्ट बीएससी यौगिक साइंस की। आप देखिए ये मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है आपको कब जाना है, कहाँ से फीस जमा करनी है, कैसे करनी है, उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ मेरिट लिस्ट डाल दी गई है, फॉर्म नंबर है, कैटेगरी है, नेम है और आपकी परसेंटेज है। तो जिन स्टूडेंट के यहाँ पर नाम है उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आप अपना समर्थ वाला पोर्टल यूज कीजिएगा, वहां से लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फी पेमेंट के ऑप्शन के नीचे ही आपको वहां पर लास्ट डेट लिखी हुई मिल जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फी डिपॉजिट कर दीजिएगा। जिन स्टूडेंट के यहाँ पर नाम है, यदि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, बताइए उनको कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है लेकिन आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन अभी तक भी नहीं आया है। बात करते हैं तीसरे नोटिफिकेशन की। जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट है बीएससी की बायो ग्रुप की एसआरटी कैंपस की। जी हाँ, बायो ग्रुप की एसआरटी कैंपस की फोर्थ मेरिट लिस्ट, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, सब कुछ लिख दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। आपको जो लास्ट डेट दी गई है वो 15 नवंबर 2021 दी गई है, 15 नवंबर 2021 तक आपको अपनी फी डिपॉजिट करनी है। फी डिपॉजिट करने के लिए आपको समर्थ वाला पोर्टल यूज करना है, लॉगिन करना है, वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से फी पेमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है जो अब से पहले किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं था। यहाँ पर नई बात लिख दी गई है, वो लिखी गई है आधार कार्ड। जो भी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अपना डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक नई बात है, आप अपना आधार कार्ड अपने साथ कैरी कीजिएगा, उसको लेके जाइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी थी, अब ये यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर डाल दी है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि आपको आधार कार्ड भी सबमिट करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट है अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, चाहे वो इस मेरिट लिस्ट से संबंधित है या नहीं है और अदर मेरिट लिस्ट से संबंधित है, तो वो भी साथ में अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, आधार कार्ड कैरी करें, तो आपको वहां पर अपना आधार कार्ड अब सबमिट करना होगा। चलिए मिलते हैं, मिलते रहिएगा, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सब खैर, थैंक यू, धन्यवाद।